खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि दूध में मिलावट सेहतमंद पंजाब के असूल में सबसे बड़ी रुकावट। पंजाब फूड अथॉरिटी की अहम कार्रवाई, सुबह भर में 4,915 लीटर केमिकल से तैयार करदा मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, डेयरी फूड अथॉरिटी की हदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों की शहर के दहरी रवा खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई है। इस लाहौर में इस लाहौर दूध में 769 लीटर जो है वो दूध की चेकिंग की गई है और इस वक्त जो है जाया किए गए दूध में मकदार और गाढ़ापन बढ़ाने वाले मदरे से केमिकल पाउडर, यूरिया और पानी की मिलावट पाई गई है। जबकि दो दूर दराज के इलाकों में जाली दूध तैयार करके शहरों में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में मुतद्दद बीमारियों का बाइस बनता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसलसल कड़ी निगरानी से नाकिस दूध की सप्लाई में वाजिया कमी खुश आइंदा है। जबकि दूध में मिलावट के खात्मे का मोसर हल जदीद ममालिक की तरह पस्टराइजेशन कानून को लागू करना है। जाली नाकिस दूध को मुकम्मल खात्मे के लिए कानून साजी की जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइटल मोहम्मद उस्मान का कहना है कि 2022 तक अमली के काम का मुकम्मल होने पर खुला दूध मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ पस्टराइज दूध ही दस्तियाब होगा। अवाम को मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी टीमें दिन रात कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। जी ठीक है, कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रखी जाएंगी। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।